Hey everyone, good morning and welcome back to my YouTube channel. आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई बिकॉज आज हमें जाना है शूट पे, तो मैं आपको दिखाऊंगी अपना डेली लाइफ. मतलब वैसे मेरा फर्स्ट शूट है मुंबई में, बट लेट्स सी कैसा जाता है. आई होप अच्छा हो बिकॉज बहुत गर्मी है, बट इंडोर है तो गर्मी नहीं होगी. इट्स लाइक नॉर्मल कैटलॉग शूट एंड आई विल शो यू वन थिंग. सी कितना प्रिटी है. अच्छा, वन थिंग, आई रियली लव फ्लावर्स लाइक एनीथिंग. मुझे बहुत ही पसंद है, कुछ ज़्यादा ही पसंद है. तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे घर पे हमेशा एक ना एक फ्लावर हो, मतलब रियल फ्लावर. पता नहीं क्यों मुझे बहुत खुशी मिलती है. सो एक मिनट, इसको मैं लाइट ऑफ करके दिखाती हूँ. इट लुक सो ब्यूटीफुल. हाउ प्रिटी, लाइक बिल्कुल मेरी तरह. Pretty like me. So अब जल्दी से लेते हैं शावर. हेड वॉश नहीं करूँगी क्योंकि मैंने रात को कर लिया था, बिकॉज सुबह थोड़ा लेट हो जाते हैं इसलिए, और वो ड्राई नहीं होते. तो मैं ड्रायर यूज़ करना थोड़ा अवॉइड करती हूँ, उसमें हीट होता है. जितना नेचुरली ड्राई हो जाए इट्स वेरी बेटर. सो फटाफट से शावर लेते हैं. शावर लेने के बाद पूजा करेंगे एंड देन ब्रेकफास्ट एंड देन रेडी होके फटाफट से निकलते हैं. सी यू. चलो पहले फटाफट से करते हैं मॉर्निंग रिचुअल, फिर जाएंगे शावर लेने. लेमन एंड हॉट वाटर. लास्ट वीडियो में भी हमने यही किया था. रीज़न आई विल सजेस्ट यू गाय कि शिट यार क्या करूँ, पहले फ़ोन रखना पड़ेगा. होल्ड ऑन, एक बार ना ये ट्राई करना फॉर अ वीक. लेमन विद इन ल्यूक वॉर्म वाटर, ज़्यादा तेज नहीं, हल्का सा. सो इससे दो तीन फायदे होते हैं. एक तो फैट नहीं बढ़ता और दूसरा स्किन बहुत अच्छी होती है बिकॉज लेमन में भर भर के विटामिन सी होता है. सो एंड इट फील्स सो फ्रेश ऑल्सो. ट्राई करना एंड लेट मी नो इफ इट हेल्प्स यू अलॉट. और अपना पता नहीं क्यों आदत से हो गई, लाइक अब हो गया कि बिना सुबह मॉर्निंग नहीं पिए मतलब आ जाता है, वो क्लिक हो जाता है. पहले बिल्कुल नहीं होता था, पहले दिमाग से निकल जाता था, बट अब ध्यान हो जाता है कि ना कुछ ना कुछ खाना है. सो प्रॉफिट से कहते हैं मुझे भी ध्यान आया, मुझे कपड़े भी धोने हैं. घर पे कहाँ मुझे ऐसे राजकुमारियों की तरह ट्रीटमेंट मिलता था. सोच रही हूँ, नहीं मजाक कर रही हूँ, प्रॉफिट से एक आई नीड टू वॉश माई क्लोथ्स, फिर उसके बाद बस. चलो जल्दी से पीते हैं. अरे हाँ, मैं आपको एक बार बताने भूल गई कि मुझे 12 प्रो मिला है. अंशु आया था मुंबई एंड ही गेव मी 12 प्रो. अपेरेंटली मतलब मैं भी जस्ट चेक कर रही थी कि वीडियो आने के बाद ही चेक ना कि सही आ रहा है फेस या फिर, तो मैंने कहा यार इतना सुंदर इतना साफ कैसे दिख रहा है. देन आई रियलाइज मेरे पास तो अब 12 प्रो है. ओके सो जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, अंशु को फॉलो करते हैं, उन्हें पता चल ही गया होगा दैट आई गॉट 12 प्रो. एंड गाइज इट्स एक्चुअली रियली नाइस, स्पेशली द बैक कैमराज आर रियली नाइस, बहुत ही. ओके तो मैंने शावर वगैरह ले लिया है, अब करते हैं पूजा एंड देन. अरे हाँ, मुझे कपड़े भी डालने. वेट, लेट्स गो. चलो चलो, ये है हमारी छोटी सी बालकनी और ये हमारे बहुत सारे कपड़े. लेट्स डू इट. सुबह को धो, शाम को धो, कपड़े 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 धो, ये भी धो वो भी धो, कपड़े 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 धो, लाला लाला कपड़े धो, लाला लाला कपड़े धो, और रहो घर से बाहर, धो धो कपड़े धो, ये भी करो वो भी करो, घर से बाहर रहो, काम करो काम करो काम करो. ये है मेरे सारे काले कपड़े. अब आप सोचो कि मैं काले कपड़े क्यों पहनती हूँ. दोस्तों एक बार मैं काले कपड़े पहनती थी, फिर मुझे पता चला कि काले कपड़े पहनना अच्छा नहीं होता है. मुझे अभी हमने कर लिया, अब करते हैं ब्रेकफास्ट. तो ब्रेकफास्ट में है हमारे पास ओवरनाइट ओट्स और कॉफ़ी पियेंगे. मैं कॉफ़ी अलग से डालती हूँ, देन हॉट वाटर हम इसमें पोर करेंगे, देन दैट्स इट. आपने देखा होगा कि मेरी पहली वाली वीडियो में भी था. अब मुझे बहुत टेस्टी लगा एक्चुअली, तो फिर मुझे लगा ईजी है क्योंकि आपको कुछ कुक नहीं करना पड़ता, रात को रखना है बस. बस थोड़ा रात को एनर्जी लगती है, अदरवाइज इट्स लाइक वेरी नाइस, इट्स वेरी यम एंड हेल्दी. सो क्विकली आई एम गोना गिव यू माय आउटलुक. वेट अ मिनट, ये स्लीवलेस है बट आई एम वेयरिंग दिस. बाहर बहुत गर्मी होती है और टैनिंग होती है, आई डोंट वांट टू गेट टैन, तो इसलिए
शर्ट ऑलवेज कैरी शर्ट और अम्ब्रेला शर्ट एंड देन पेयरिंग इट विद द वाइट शूज द एंकल लेंथ दिस इज द होल लुक लेट्स गो वी आर लेट ये ट्रैफिक हमारे साथ साथ ही चल रहा है अभी भी 4 मिनट है और टाइम है ओके सो वी हैव रीच ऑन टाइम 5 मिनट पहले पहुंच गए हैं और जल्दी से जल्दी इधर बाहर बहुत गर्मी है Got it? So we have done with our makeup. The pretty and the makeup artist. So I'm having coffee. I don't know how to use it, but let's explore. Okay. So many cups. Which one should I pick? Oh my god. This one. It's so cute. All right. सो अभी मैंने लिया है 5 मिनट का ब्रेक एंड आई रियली लव द आउटफिट्स इट्स प्रिटी अब हेयर में थोड़ा चेंज है अब हम लगाने वाले हैं हाई ब्रेड फ्लावर्स ये सी हाउ प्रिटी इट लुक्स सॉरी आई हैव टू डांस आई गॉट फ्लावर्स वू फ्लावर्स गौर से देखिएगा इस लहंगे को यही है वो लहंगा जो 25 किलो का है आई स्वेयर लुक लग नहीं रहा बट है बट पिक्चर्स बहुत सुंदर आ रही थी सी प्रीटी ऑलराइट आई हैव डन विद माय शूट लेट्स फाइंड आउट टू एंड गो होम Look at my halat. I'm not even able to hold things. There's lots. कुछ भी कहो घर आओ ना दी एकदम क्लीन रखती है तो ओके सो वी हैव अ मेड जो बर्तन वगैरह एंड होम क्लीनिंग के लिए थोड़ा हेल्प कर देती है सो घर आओ तो एकदम रूम अच्छा सा क्लीन सा मिलता है तो इट फील्स गुड मम्मी की याद आ गई यार मम्मी होती घर में पानी लेकर आती खाने की 10 चीज़ें रखी रहती मेरे आने तक आई मिस होम बट कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है सो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट मैं अपना 110% देना चाहती हूँ सो दैट कि मुझे कल को रिग्रेट ना हो कि मैं शायद ये कर सकती थी सो दैट्स व्हाई आई एम इन मुंबई लुकिंग फॉर मोर गुड अपॉर्चुनिटीज लेट्स सी कब मिलती है मिलेंगी बट लेट्स सी कब मिलती है फ्रेशन अप वगैरह में हो गई थोड़ा फेस वगैरह वॉश कर लिया मैंने हिम्मत नहीं आ रही थी नहाने की अगर मैं नहाती तो सीधा सो जाती बट आई हैव टू ईट समथिंग और सच बताऊँ मुझे चाय पीने का मन कर रहा है बिकॉज चाय ना थोड़ा सा फ्यूल देती है और मैंने मॉर्निंग से 2 बार कॉफ़ी पी ली है एंड देन शूट पे हम लोगों ने सैलेड खाया था आई एम नॉट फील लाइक ईटिंग एनी थिंग तो अभी हम लोग बनाएंगे चाय मैं जा रही नीचे अपने फेवरेट मफिन्स लेने 45 या 60 के अराउंड आते हैं शायद 45 या 60 के अराउंड आते हैं उसमें ना 6 मफिन्स होते हैं आई एम गोना शो यू लेट्स गो हमेशा मैं एक चीज़ की तरफ 10 चीज़ उठाती हूँ 176 मैं लाने सिर्फ एक सामान जाती हूँ पर जब तक मैं 4-5 चीज़ें मतलब वहाँ पर जाकर ना मुझे याद आ जाती है कि मुझे ये भी लेना है मुझे वो भी लेना है मुझे वो भी लेना है बट जब घर पर थे तो सब लेना नहीं पड़ता था सब आता था बस बोला पड़ता पापा ये ले आना बट सब कुछ करना पड़ता है यार बट इट्स फाइन ओम भीम भूम स्वाहा दिस इज हाउ आई मेक टी एक मंत्र होता है जिससे चाय बहुत मस्त बनती है ट्राई इट और अब आप लोग सोचोगे इतनी सारी अदरक चाय में मुझे अदरक वाली चाय बहुत पसंद है जिसमें जब तक यहाँ तक तुम्हारा गला जले ना ना कि वो अदरक जा रही है चाय बाद में अदरक जा रही है तब तक मुझे लगता नहीं कि मैंने चाय पी है
तो चाय, और जब थोड़ा विंटर्स आ जाता है तो काली मिर्च, अदरवाइज अदरक ही मस्त काम करती है। एक बात बता देती हूँ, जो घर से दूध रहते हैं ना, वो कभी दूध गर्म नहीं करते, वो हमेशा पैकेट का ही यूज़ करते हैं। ये मैंने कितने अपने दोस्तों के पास देख लिया, मेरे जितने भी दोस्त हैं जो घर से बाहर रहते हैं, वो सब के सब पैकेट डायरेक्टली ऐसे यूज़ करते हैं, वो लोग गर्म नहीं करते। मतलब घर पे तो आप लोग गर्म करते ताकि वो ज़्यादा चले, बट जब अकेले रहते ना तो क्या बोलोगे किस्मत को, क्या बोलोगे यार दूध फट गया और वो चाय भी नहीं, इतना कैसे पीऊं। 10 मिनट का ब्रेक लेती हूँ, सोती हूँ, मतलब 10 मिनट का नैप लेती हूँ थोड़ा सा, उसके बाद फिर से चाय बनाऊंगी, पर बनाऊंगी, हिम्मत नहीं आनी है। इस समय क्या सलाह मिलती है कि हिम्मत नहीं आनी है। फिर एक और बार हम करेंगे कोशिश, एंड आई एम सॉरी गाइस, आई वाज फीलिंग सो हंग्री तो मैंने एक खा लिया। लेट मी चेक एक बार उस दूध की एक्सपायरी, मतलब लाइक यूज बाय कब तक था रीजन, क्योंकि होना तो नहीं चाहिए, सब चीज़ तो नॉर्मल थी। 9 और आई थिंक आज 12 है, सो ये तो होना ही था, बट बाय चांस। अच्छा मैं 3-4 चीज़ें ले लेती हूँ, नाउ आई एम फीलिंग प्राउड कि मैं हमेशा एक्स्ट्रा चीज़ें ले लेती हूँ। So we have milk, extra milk. So we gotta use that. यार अब इसमें दूध ज़्यादा डल गया, अब मेरे अंदर ना हिम्मत नहीं है कि मैं और कुछ करूँ, बट आई स्वेयर मैं इससे अच्छी चाय बनाती हूँ। अभी फिलहाल इसको ऐसे ही पी लेते हैं, बिकॉज अब सच में मेरे अंदर बिल्कुल हालत नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू सिट एंड रिलैक्स फॉर एट लीस्ट 5 to 10 minutes. Oh, let's record this. I love such things. कितने प्यारे लग रहे हैं। See, सारे खा जाऊंगी, सारे खा जाऊंगी। Okay, let's keep a tea in here and let's enjoy. It's our dinner. Perfect. चाय पिए और मैंने जब शूट पे थी तो मैंने देखा कि अंशु का वो आ गया, क्या कहते हैं, नया व्लॉग आया हुआ है, तो मुझे वही देखना है, तो उसके लिए हम अब चलाएंगे इसमें। ओफो ये मुझे भूख लग रही है, एक्साइटमेंट है देखने का, एक्साइटमेंट देखने का। 1 किलो आटा, 5 किलो Hey, ne mera dada dada dada. I'm so proud of you, dada. So proud of you. Yay! तो व्लॉग हो गया है कंप्लीट और आया है मेरी माता जी का कॉल। कितने दिनों बाद कॉल कर रही हो तुम मुझे, बताओ? तीन दिन हो गए, 4 दिन हो गए। देखा, लड़का घर आ गया तो बेटी को भूल गई। वाह मेरी मम्मी वाह। टीक टू पियो ऐश करो, दिल पर किसी का दुखायो। गुड नाइट, बाय पापा, बाय। तो मैंने चाय वगैरह और आज का डिनर में ये था चाय और मफिन, जो कि मेरा कंप्लीट हो चुका है। मेरी आंखें बिल्कुल एकदम अब हो गई हैं, नींदों से भर चुकी हैं और मुझे सच में बहुत तेज नींद आ रही है। जस्ट आएगी भी क्यों नहीं, क्योंकि आई एम वेरी टायर्ड भाई। एक लहंगा 25 किलो का लहंगा था, मतलब हमने करीबन 10 लहंगास किए थे, दैट वॉज लाइक प्रॉपर ब्राइडल भाई। मेहनत तो होती है, यू जस्ट हैव टू स्टैंड, यू कांट सेट बिकॉज उसमें क्रीज आ जाएगी, प्रेस हो जाएगा, तो आप एक बार एक गारमेंट पहने तो यू कांट सेट, और खड़े होकर ही सारे पोजेस होते हैं, तो टफ था, बट आई एंजॉय माई जॉब, सो मुझे कोई दिक्कत नहीं होता। एंड सेकेंड आई जस्ट वांट थैंक यू गाइज, बिकॉज हमारे 30+ हो चुके हैं और जल्दी से 1 लाख भी हो जाएंगे। आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज मुझे ना वो सिल्वर कलर का जो मिलता है ना, वो मुझे देखना है। एंड माइट बी अगर वो मुझे मिलेगा तो वो घर ही आएगा, तो आई विल गो होम, मेरा एक चक्कर वैसे भी लग जाएगा, तो जितनी जल्दी होगा तो उस जल्दी मैं घर जाऊंगी। एंड वो तभी होगा जब यू गाइस विल सपोर्ट मी, एंड यू गाइस डू अ लॉट, थैंक यू सो मच। और भी कुछ कहना था यार मुझे, मैं हमेशा भूल जाती हूँ। जैसे मैंने बोला था कि मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी क्वेश्चनेयर, तो अगर आपको अभी भी कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ उसे कर दो, बिकॉज आई थिंक आई विल शूट दैट वीडियो ऑन सैटरडे।
और या फ्राइडे को शूट करूँगी और सैटरडे अपलोड कर दूँगी, या सैटरडे को शूट करूँगी संडे को कर दूँगी, जैसा भी होएगा तो होगा। तो प्लीज़ जिन लोगों को जो भी क्वेश्चंस हैं, मैं ट्राई करूँगी कि मैं ऑनेस्टी के साथ और सबके क्वेश्चंस कवर कर पाऊँ। तो प्लीज़ डू कमेंट्स इन दिस वीडियो और जो प्रीवियस वाली वीडियो है उसमें। सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू गाइज सो मच एंड गुड नाइट। आई एम सीरियसली टायर्ड, मुझे थोड़ा तेल लगाना है बिकॉज बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, हीट प्रोडक्ट। सो सी मेरा पूरा बाल ऐसा जमा हुआ है यहाँ से। इट्स ओके, लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम बिकॉज रात के 10 बज गए एंड आई विल ट्राई कि मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँ। सो बाय, गुड नाइट एंड आई एम गोना सी यू नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू गाइज, बाय।